इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नंबर्स को वर्ड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम नंबर टाइप करता हूँ तो हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक वर्ड में चेंज हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए कोई भी फंक्शन या कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इसको हम VBA के थ्रू यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे Alt F11, VBA वर्कबुक हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ हम सीधा पहुँच जाएंगे इंसर्ट टैब में। इसके अंदर ऑप्शन है मॉड्यूल, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ हम एक कोड टाइप करेंगे, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर ये कोड है, मैं इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप ये कोड डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नम टू वर्ड। ये छोटा सा काम करने के बाद इस फाइल को हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर ऑप्शन है सेव बुक वन, या सिंपली हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एस। अब यहाँ पर सेव एस टाइप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे ये जो सेकेंड ऑप्शन है, इसको एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। फाइल को नाम दे देंगे जिस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं एंड यहाँ पर लोकेशन बता देंगे। अब इस वर्कबुक के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं और हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल नम टू वर्ड ब्रैकेट, अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने वो नंबर टाइप किया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। हम देख सकते हैं कि इसने नंबर को वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। जिस वर्कबुक के अंदर आप इसको क्रिएट करेंगे ये बस उसी वर्कबुक के अंदर काम करेगा। किसी दूसरे वर्कबुक के अंदर अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज उस दूसरी वर्कबुक के अंदर नहीं कर सकते। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।